नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। राहुल प्रियंका गांधी के आने से हो जाएगा कांग्रेस का सूपड़ा साफ। गांव गांव और शहर में भाजपा के पक्ष में बन रहा माहौल। पत्रकारों से बातचीत में बोली सुनीता दुग्गल। चौटाला परिवार पर किया कटाक्ष। मैदान छोड़कर भाग रहे चौटाला परिवार। INLD छोड़कर लोग भाजपा में हो रहे शामिल। वहीं अपने पति राजेश दुग्गल पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को सुनीता दुग्गल ने किया पलटवार। कहा संभावित हार की बौखलाहट में अशोक तंवर लगा रहे अनगढ़ आरोप। अपने पति के सरकारी आवास से नहीं की कोई राजनीतिक गतिविधियां। बोली राजनीतिक और नकारात्मक राजनीति की देगी जनता जवाब। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल का एक बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जहां जहां राहुल प्रियंका पहुंचे हैं वहां वहां कांग्रेस का भट्टादार हुआ है। सिरसा में अपने प्रचार अभियान में जुटी सुनीता दुग्गल गांव नानकपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि 8 मई को फतेहाबाद में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद प्रदेश में पूरी तरह से माहौल मोदी हो जाएगा। भाजपा 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि चौटाला परिवार सीधे रूप से सिरसा से भाग खड़ा हुआ है। यह मैदान छोड़ने जैसा ही है। उन्होंने कहा कि INLD की पूरी टीम बिखर चुकी है और परिवार के सदस्य सिरसा छोड़कर अलग जगह जा रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों ने INLD का साथ लंबे समय से थाम रखा था वे भी हताश और निराश हैं। बड़ी संख्या में लोग INLD छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। देखिए, पहले ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शहर की पार्टी है, लेकिन आप लोग गांव में जिस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं, अभी हम इससे पहले भंबूर गांव में गए, पूरा का पूरा गांव जिसमें पंच सरपंच पूरी पंचायत और जो एक्स सरपंच हैं वो भी, जो चुनाव लड़े हैं वो भी, जो जीते हैं वो हैं, जो वो भी जो हारे हैं वो भी, सब के सब एक मत से ये समर्थन दे रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वापस हिंदुस्तान की बागडोर सौंपना चाहते हैं। तो अब ये कॉम्पिटिशन हो रहा है कि शहर जो है वो ज़्यादा आगे निकल रहा है या कि गाँव आगे निकल रहा है। इतना ज़बरदस्त लोगों के अंदर उत्साह और जोश है, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और मुझे लग रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे पंडाल हमारा छोटा पड़ने वाला है। बहुत ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है। लोग जो हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनके विचारों को सुनना चाहते हैं। देखिए, सिरसा में प्रस्तावित है सन्नी देओल जी का रोड शो, मोस्ट प्रोबेबली वो आएंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित है और हमारे बाकी जितने भी जो नेता हैं वो तो रोज के हिसाब से यहाँ पर हर जगह पर कार्यक्रम कर ही रहे हैं। चाहे हम बात करें उसमें हमारे कृष्ण पवार जी की और विपुल गोयल जी की, कृष्ण बेदी जी की और करणदेव कंबोज जी की, ये सब के सब जो है कार्यक्रम कर रहे हैं अपने अपने स्थान पर, अपने अपनी जगह पर। हर विधानसभा के हिसाब से इन लोगों के कार्यक्रम बटे हुए हैं और खूब जोर शोर से प्रचार चल रहा है। अकाली के साथ आपका गठबंधन है, क्या अकाली नेता भी प्रचार में आएंगे? बिल्कुल, हर जगह पे हमारे अकाली नेता जो वरिष्ठ नेता वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। वीरमान मेहता जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्रोमणी अकाली दल के, वो हमारे साथ चल रहे हैं। कल कालांवाली का दौरा था तो कल सारा दिन कालांवाली के दौरे में बलकौर जो हमारे कालांवाली से विधायक है वो हमारे साथ थे। हाँ बिल्कुल, प्रस्तावित है ये। मेरा मुझे मौका मिला था अभी आदरणीय बादल साहब से मिलने का, बड़े बादल साहब से, और बुंदड़ साहब जो है हमारे जो राज्यसभा के उनके सांसद भी हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ लगातार हमारे साथ घूम रहे हैं और लगातार हमारे साथ हैं। अभी पिछले दिनों फतेहाबाद में जो बार एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी वहाँ पे वो हमारे साथ उपस्थित थे। तो वो हर जगह पे हमारे साथ परिवार का ही है, गृह क्षेत्र है, लेकिन इस बार जो है वो पूरा परिवार ही बाहर ही चुनाव लड़ रहा है, यहाँ कम सक्रियता है, तो आपको क्या मानते हैं? ये मैदान छोड़ने वाली बात है कि वो लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हैं और लोगों के साथ जो उनका यहाँ पे अटैचमेंट था, लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और इसलिए लोग जो 50-50 साल से INLD के साथ जुड़े हुए थे, जो 40-40 साल से उनके साथ जुड़े हुए थे, वो सब के सब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं और बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। INLD के कर्ता धर्ता किसी समय में होते थे, वो सब के सब अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। वहाँ पर बिल्कुल खल्लास हो गया, वहाँ कुछ नहीं रह गया।
सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए वो हार की बौखलाहट है, कौन सी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जरा मुझे बताएं, वो कहीं किसी तरह का कोई भी इसमें तथ्य नहीं है, कहीं आधारहीन जो है ये सब सरासर झूठ है सब। और वो अपनी हार से बौखलाहट में आकर, देखिए दो तरह की राजनीति होती है, एक पॉजिटिव राजनीति और एक नेगेटिव राजनीति। हम करते हैं पॉजिटिव राजनीति, अपने काम में हम मस्त हैं, अपना काम बढ़ा रहे हैं आगे, और लोगों का जबरदस्त उत्साह, लोगों का जबरदस्त जोश, हमारे सारे कार्यकर्ता बंधु दिन रात लगे हुए हैं, रात को दो दो तीन तीन बजे तक लगे हुए हैं। उनके पास ना कोई कार्यकर्ता है ना उनके पास जन समर्थन है, ऐसे उसमें वो करते हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स, तो आप ये अंतर महसूस कर सकते हैं। इसलिए वो हार की बौखलाहट में इस तरह की बात कर रहे हैं। मेरे पति जो हैं वो पुलिस अधिकारी हैं, वो हिसार में पोस्टिंग है उनकी, सिरसा लोकसभा और हिसार लोकसभा दोनों अलग अलग हैं। आप ये बताइए कि हिसार के सरकारी आवास में बैठकर मैं सिरसा की राजनीति कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास सिरसा में घर है सेक्टर 20 में, और मेरे पास फतेहाबाद में भी घर है सेक्टर 3 में, उन दोनों जगहों से मैं अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाती हूँ। तो लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो उन्होंने दाव खेला है ये जबरदस्त उनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। मैं एक विवाहिता हूँ, एक मैरिड इंसान हूँ मैं, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, तो क्या मेरे पति अधिकारी हैं और मैं राजनीति में हूँ इसलिए मैं उनके घर पे नहीं जा सकती? ये बहुत बड़ा उन्होंने जो है एक तरह का मानवता का अधिकारों का उल्लंघन है। मैं एक विवाहिता होते हुए भी तलाकशुदा जिंदगी व्यतीत कर रही हूँ, मेरे पति यहाँ नहीं आ सकते, मैं भी वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ तो ये कहते हैं कि सरकारी आवास से राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही हैं। इसका जवाब जनता उनको पुरजोर तरीके से देगी और इनको मजा चखाएगी, अब की बार उनकी जमानत जब्त होने वाली है।